अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और अपने एक और ब्लॉग में आपको खुश आमदीद करते हैं। और आज का ब्लॉग हमारा काफ़ी लेट शुरू हो रहा है क्योंकि बेसिकली कुछ काम शाम में लगे हुए थे और उसके बाद काम वाइंड अप किया है, तो बस अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं ज़ुहर की और ऑलमोस्ट अभी 2 बजने वाले, तो ब्लॉग अभी हमने अपना शुरू किया। तो इसके अलावा आज की जो रूटीन है प्रॉपर सारी शेयर करेंगे। आज का जो हमारा फिलहाल शेड्यूल हुआ है इंस्टीट्यूट का, वो एक डायरिया का हुआ है और दूसरा माइट भी पॉसिबल है कि अगर केयर जाना हो, लेकिन उसका सोर्स वही है। लेट्स सी, डायरिया तो कंफर्म हमने जानेंगे और किस टाइम निकलेंगे तो सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। और अभी शीट्स अपडेट कर रहे थे वो अलहमदिल्ला हो गई हैं, बाकी बस एक दो डिलीवरी चालान बनाने हैं और एक दो इन्वाइसेस जनरेट करनी है, तो वो सब करने के बाद उसके बाद हम इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे बहरिया के लिए। उससे पहले लंच के सीन्स जो भी होंगे वो चेक करेंगे आपको, लंच वगैरह करने के बाद फिर निकलेंगे। तो इंशाल्लाह इसके अलावा जो भी पूरे दिन की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। सोजी तो पहुंच गए अभी बहरिया और अब देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम होता है। असल में बेसिकली नईम साहब आए थे और नईम भाई ने जो है ना कुछ उसमें कंजप्शन ठीक तरीके से, मतलब उनको कुछ डाउटफुल हो रहा था चीज़ों में, तो अब वो क्योंकि यूनिट्स थोड़े से हमारे कम आ रहे हैं जो उन्होंने कंजप्शन लिया उसमें, तो अब रीचेक करने के लिए मैं आया हूँ। वो आए थे फ्राइडे को और अब जो है मैं आया हूँ मंडे को कंजप्शन अगेन लेने के लिए कि कहाँ जो है कंफ्यूजन हो रही है, आए कि यूनिट्स हमने कम दिए थे और या फिर कोई एक यूनिट का इशू आ रहा है। लेट्स सी, तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि कंजप्शन लेनी है और फिर दाऊद भाई से मिलना भी है। तो अभी चलते हैं और फिर आपसे फ्री होकर मिलता है, हमारे साथ ही रहिए। तो जी, तो फ्री हो गए यहाँ से और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 30 मिनट्स यहाँ पे कंज्यूम हुए। अच्छा, इशू ये था कि जो बेसिकली साइजेस का जो यूनिट्स का हमारा इशू आ रहा था वो उसमें एक जो हमारा क्लाइंट था ना उसको 2 कंज्यूम हुए थे और आई गेस उन्होंने एक लिखा हुआ था वहाँ पे, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। बहरहाल वो सारे नोट डाउन अभी कर लिए और अभी बस निकलते हैं वापस ऑफिस की तरफ क्योंकि वो पूरी मंथली मंथ की जो कंजप्शन थी ना वो पूरी नोट डाउन करनी पड़ती, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। तो अभी चलते हैं और फिर आपसे ऑफिस पहुँच के मुलाकात करते हैं। सूजी तो फ्री हो गए उमर से और बेसिकली यहाँ पर अराउंड कोई काम तो था लंबा, लेकिन जिनसे हमने पेमेंट वगैरह रिसीव करनी थी वो मुजम्मिल साहब जो है आज छुट्टी पर थे, उसकी वजह से जो है ना सॉरी लग गई। इवन कि उन्होंने टाइम भी दिया था आज का कि जी आपने इस टाइम तक आना है, लेकिन समहाउ वो अवेलेबल नहीं थे। तो अभी बस निकलते हैं फिर उमर से, अभी ऑफिस की तरफ वापस जाएंगे क्योंकि काम तो यहाँ हो नहीं पाया क्योंकि वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बोला कि वो सेकंड हाफ में आएंगे लेकिन कोई आसार अभी लग नहीं रहा, और तो अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ वापस और फिर आपसे ऑफिस पहुँच कर ही मुलाकात करते हैं और फिर शेयर करते हैं अपनी मज़ीद रूटीन। तो हमारे साथ और बाबर साहब ने जो है बेहतरीन किस्म का भी जो है ये कावारा के दिए क्योंकि जो है अपना बहुत शदीद किस्म का जो है फ्लू हो रहा है, बहुत ही शदीद किस्म का। तो अभी ये जो है फिलहाल हम कड़वा है लेकिन सही है, कावा कड़वा ही अच्छा लगता है साथ में गुड़। तो खैर ऑफिस में तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज नहीं हो सकती। मैं ना अभी ये कावा एंजॉय कर रहे हैं और साथ में काम शाम चल ही रहा है और जिसके लिए मैं कहता हूँ उम्र को काम नहीं हो पाया, तो लेट्स सी अब कल वापस जाना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट बढ़ी है, जब तक वो रिसीव नहीं हो जाती तो चक्कर लगते ही रहेंगे। कावा शावा पीते हैं और अभी बस उसके बाद फिर नमाज की तैयारी करते हैं और फिर लंच वंच करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं आपसे। सो जी, तो फाइनली जस्ट गॉट होम और ऑफिस से डायरेक्ट मैं निकला हूँ और मोस्ट अभी पहुँचा हूँ। पहले मेरा प्लान था कि यार हमज़ा के पास जाऊँगा लिबर्टी और उसके ऑफिस से हम दोनों डायरेक्ट फेस 6 जाएंगे, फिर मैं वापस आ जाऊँगा क्योंकि वहाँ उसके पास कोई कन्वेंस होती है तो ईजी हो जाता, लेकिन उसकी वजह से टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया और फिर मैं काफ़ी लेट निकला।
उसका वेट करते करते ऑफिस में काफ़ी टाइम लग गया। फिर खैर मैं अकेला गया, और मैं गया किस वजह से था, DHFA 6 इस वजह से था। ये फाइनली जो है फ़ोन परचेज कर लिया मैंने, और असल में ये कुछ डीले ऐसी होती हैं जिसको आप दस्ती आपको जो है पहुंचना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है चीज़ बिक जाती है। ये अच्छे पैसों में मुझे मिल रहा था, तो फिर आपका भाई जो है दस्ती निकला और फ़ोन आ गया, और इसको अभी एक्टिव करते हैं और फिर नेक्स्ट जो है डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे मज़ीद। तो अभी जो है खाना शाना खा लेते हैं पहले, और खाना शाना खाने के बाद और बस अब सोएंगे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, ठंड बहुत है, और मैं फिर बाइक पे गया था और डिस्टेंस बहुत है, ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा लगता है Phase 6, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, तो वो सारी चीज़ें। बहरहाल चीज़ मिल गई, मुझे बस ये था कि यार ये निकल ना जाए हाथ से, क्योंकि रेट्स अच्छे मिल रहे थे, तो फॉर श्योर सी बात है थोड़ा सा चीज़ों में कोऑपरेट करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं दस्ती निकल गया। बहरहाल अभी फ़ोन शो यूज़ करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं पूरा, और डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे, टाइम लग जाएगा उसमें। तो फिर खाना शाना खाते और फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।